सरकार की ओर से किए गए आर्थिक सुधार और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प विदेशी पैसे को भारत की ओर आकर्षित कर रहा है। विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ने लगा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के मामले में विश्व स्तर पर भारत को लेकर सकारात्मक माहौल बनने लगा है। औद्योगिक संगठन CII और AI की FDI पर जारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 34% विदेशी निवेशक भारत को निवेश के लिए टॉप 3 स्थानों में से एक मानते हैं। वही वर्ष 2025 तक भारत में सालाना FDI का स्तर 120 से 160 अरब डॉलर तक हो जाएगा। इस सर्वे के अनुसार भारत निवेशकों के लिए एक उम्दा जगहों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत आबादी के साथ साथ किसी भी तरह के उत्पाद की बड़ी मात्रा में खपत करने के लिए भी एक अच्छी जगह है। बीते साल भी भारत में अच्छा खासा विदेशी निवेश देखने को मिला था। जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 2019 में FDI का प्रभाव भारत में 50 अरब डॉलर का था, जो भारतीय GDP का लगभग 1.8% है। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर में कोरोना काल के बावजूद भारत में 30.1 अरब डॉलर का रिकॉर्ड FDI रहा। औद्योगिक संगठन के सर्वे में इस बात का भी खुलासा हुआ कि वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे देश भी FDI को आकर्षित करने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे में भारत के लिए FDI लेने में आगे निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन विदेशी निवेशकों की नजर में भारत की 3 प्रमुख चीजें भारत में FDI को लाने में भारी बढ़ोतरी कर सकती हैं। इनमें शामिल है भारत के बाजार का बड़ा होना, दूसरा भारत में कुशल कारीगरों का होना, और तीसरा भारत में राजनीतिक स्थिरता का होना। 23% विदेशी निवेशक भारत के बड़े बाजार को भारत में निवेश करने का एक प्रमुख कारण मानते हैं। वहीं अगर बाकी देशों से तुलनात्मक तौर पर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2019 में 2.9 ट्रिलियन डॉलर की थी, जबकि वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों की कुल अर्थव्यवस्था मिलाकर भी 2.6 ट्रिलियन डॉलर की थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के मुकाबले में 10% कम है। यही कारण है कि 31% विदेशी निवेशक 2025 तक तेजी से बढ़ने वाली 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था को शामिल बताते हैं। वहीं 17% निवेशकों का मानना है कि 2025 तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया में 3 प्रमुख जगहों में से एक होगा, और कुछ का कहना है कि 2028 तक भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।